जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तकरीबन आज पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे कि 9 बजे हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि तोशाखाना केस के अंदर हमने उस ऑर्डर को चैलेंज करना था, तो लिहाजा जितना लेट होता उतना ही हमारे लिए नुकसान था। और वही हुआ कि आज लेट जो है खान साहब के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए गए। वहां पर सूरत हाल थोड़ी सी बता दूं कि 12:30 बजे मुझे मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाजत दी गई और पुलिस की गाड़ी के अंदर लेकर मुझे गए। 1.5 घंटे के करीब वहां पर मुझे एक कमरे के अंदर जो है वो बिठाया गया और कहा गया कि वो थोड़ी देर तक आते हैं और आपकी मुलाकात जो है करवा दी जाएगी। फिर आगे ले गए हैं वहां पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में, उनको भी लाया गया है और वहां पर मुलाकात करवाई है। 1:30 बजे ये हमारी मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन 2:45 तक ये मुलाकात जारी रही है, 1 घंटा और 45 मिनट। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है, जब से आप अरेस्ट हुए हैं तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहां पर ओपन वॉशरूम है, उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने यह बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं, ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये डी क्लास में रखें, लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, सारी जिंदगी यहां पे रह लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सर ये उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं आज स्पेशली उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूं, आपने जाकर बताना है कि जो इस वक्त जेल के अंदर इसी नौयत की और इससे ज्यादा तकलीफात में वहां पर कैद काट रहे हैं, जिनमें उन्होंने सारे वर्कर्स का जिक्र किया पहले कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं, फिर जो टॉप लीडरशिप वहां पर लाहौर के अंदर शहरियार इजाज चौधरी साहब, सना खतीजा और तैबा और मशवानी साहब और सारे जितने नाम भी उन्होंने, अली मोहम्मद खान, सारे जो गिरफ्तार है, शहरियार अफरीदी, यास्मीन राजता, एक एक बंदे का नाम मैं मतलब स्किप कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे का नाम लिया कि उनको मैं आज दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह से वो वहां पर डटे हुए हैं और गुलामी मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटैक मेरे घर के ऊपर हुआ है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, बुशरा बीबी उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है, और इसके ऊपर आपने यानी कि लीगल टीम ने वहां पर जाकर बकायदा तौर पे जिन लोगों ने दरवाजे तोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ केसेस वहां पर फाइल करने हैं। फिर उन्होंने बताया कि मेरे जो गार्ड्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया, और साथ मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह थे, अली खान, अवैस, अली नियाजी, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो लिहाजा आप ये देख लें कि उनका क्या कसूर था, कोई किसी तरह से ना उन्होंने मुजम्मत की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई रेजिस्टेंस की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई बंदूक या कोई चीज छीनी, उनके ऊपर डकैती का पर्चा कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की कोर कमेटी है वो फैसला करेगी, जो भी हमारा लाए अमल होगा, कोर कमेटी को सारा इख्तियार मैं दे के आया हूं, कोर कमेटी सारा फैसला करेगी और मेरी मुशावरा से करेगी, कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, कोर कमेटी सारे फैसले पीटीआई के हवाले से करेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो
मुझे यहां से अगवा किया गया है। ये 9 मई की तरह दोबारा अगवा था। जिस तरह से 1 बजे पुलिस फौरन पंजाब की वहां पहुंची है, ना उनके पास कोई मुझे वारंट दिखाया गया, हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, और जबरदस्ती मुझे दबोच के कपड़ा डाल के वो गाड़ी के अंदर उन्होंने जाके मुझे बिठाया है। तो ये एक अगवा, इस हवाले से मैं कहूंगा कि 12:30 बजे फैसला होता है और पुलिस की ना इजाजत होती है पुलिस के पास, इस्लामाबाद पुलिस ना मौके पर मौजूद होती है, पंजाब पुलिस आकर जिस तरह से उन्होंने मुझे वहां से अगवा किया, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, तो मैं ऐसे अगवा कहूंगा। और लोग अगर पुरमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो उनका हक है, क्योंकि जिस तरह से ये डिसीजन दिया गया उजलत में और जैसा हमने यकतरफा कार्रवाई की, तो पुरमन एहतजाज हर शहरी का हक है। और मैंने पुरमन एहतजाज का हमेशा कहा है, मैं अब भी यही कहूंगा कि पुरमन एहतजाज वो हक है और वो पुरमन एहतजाज होना चाहिए। किसी जगह पे तोड़ फोड़ या किसी जगह पे जलाओ घिराओ कोई ना, मैंने पहले कहा ना मैं अब कहूंगा, पुरमन एहतजाज करें। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह से वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, और उनके पास आप उनको बताएं कि आपके पास 2 रास्ते हैं, एक गुलामी का और एक आजादी का, वो आपने चूज करना है। मैंने चूज किया हुआ है और आपने भी चूज किया हुआ है, तो लिहाजा गुलामी की जिंदगी से बेहतर है कि मौत आ जाए, तो लिहाजा आपने ये जंग जो है जारी रखनी है। साथ हमने एप्लीकेशन लॉयर्स के हवाले से जो सुप्रीटेंडेंट साहब ने उनको दे दी है कि एक तो खान साहब को एक क्लास दी जाए जो कानून के मुताबिक उनका हक है, और दूसरा हमने ये कहा है कि डॉक्टर फैसल साहब जो उनके डॉक्टर हैं, अभी तक उनको इजाजत नहीं दी गई, और उन्होंने स्पेशली कहा है कि मेरी फैमिली से बुशरा बेगम, उनको मुझसे मिलने की जो है वो इजाजत दी जाए। और उन्होंने, और एप्लीकेशन के अंदर हमने ये कहा है कि पॉलिटिकल जो लीडर हैं पीटीआई के, उनकी हमने लिस्ट दी है और उनको मिलने की इजाजत दी जाए। आज तक सिर्फ और सिर्फ मैं जाके मिला हूं, किसी बंदे को कोई इजाजत नहीं है। और वो ये कह रहे थे कि यहां पर जो रहने का माहौल है वो बड़ा खराब है, किसी हवाले से मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पर कोई एसी, कोई कूलर, कोई चीज वहां पर नहीं लगी हुई, एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है। वहां पर जो जाय नमाज है उसके लिए भी मुझे जो है वो बड़ा मुश्किल पेश आती है वो अदा करने में, लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ो ये तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं नमाज भी अपनी अदा कर रहा हूं और मुझे मौका मिल गया है कुरान पाक पढ़ने का, तो मैं वो भी पढ़ रहा हूं और अपनी जो इबादत कर रहा हूं, और मैं डटा हुआ हूं, कोई मैं झुका हुआ नहीं हूं, ना मैं डरता था और मैं ना कभी जिंदगी में गुलामी जो है कबूल करूंगा। मुझे ये जिस आगे जितनी भी सख्ती कर लें, जितनी भी मुझे वो तकलीफें दे लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी हिम्मत जो है वो बुलंद है। और आप देख लें कि हमारी मुलाकात हुई है आज तोशाखाना केस के अंदर, हम आज उसके अंदर अपील फाइल नहीं कर पाए, उसकी रीजन ये है कि अभी वकालनामे हुए हैं, हमारा एक दिन जो है वो जानबूझकर जाया किया गया है। हम कल इसके अंदर वकालनामा साथ लगाकर वकालनामे हमने करवा लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, और उन्होंने वाजिया कहा है कि अमर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, तो लिहाजा वो मेरे केस की समाअत ना करें। पहले भी उन्होंने जिस तरह से समाअत की, मुझे उन्होंने कोई उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। 9 मई को भी जिस तरह से उन्होंने मेरी गिरफ्तारी को ये कहा कि ये कानूनी है, तो लिहाजा और भी काफी मिसालें हैं, एरियन वाइट का केस, उन्हें एक एक चीज का पता है, याद है कि किस तरह से उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई जो है वो की है। जी सर, सेहत कैसी है खान साहब? देखिए, जब खान साहब आए हैं उन्होंने ट्राउजर और जो है शर्ट पहनी हुई थी और जॉगर बूट, वो बिल्कुल फ्रेश हालत में आए हैं, बिल्कुल वो आए हैं, उन्होंने आके मुलाकात उनसे हुई है। जब मेरे पास आए हैं तो उस वक्त मेरे से जो मुलाकात हुई है कमरे में हुई है, मुझे उस कमरे के अंदर जानबूझकर शायद नहीं ले जाया गया कि हकीकत का पता ना चल जाए कि ये खुद जाकर देखना ले कि क्या पोजीशन है। लेकिन खान साहब ने जो वहां पर डिप्टी सुप्रीटेंडेंट थे उनकी मौजूदगी में ये कहा कि मुझे वॉशरूम, ओपन वॉशरूम है, वहां पर कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई वॉल नहीं है, ओपन मुझे वॉशरूम जो है जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए ये सारा किया जा रहा है। और रात को उन्होंने कहा है कि बारिश हुई है, तो बारिश का जो पानी है
वो सारा कमरे के अंदर आ गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मजीद और तकलीफ दे दें, मैं सारी जिंदगी जो है गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं कभी गुलामी नहीं करूंगा और कौम भी इसी तरह से कभी गुलामी नहीं करेगी और ये जो है सिलसिला, ये जंग जो है मेरी जारी रहेगी, मैं रूल ऑफ लॉ और हकीकी आजादी की और आप लोगों की जंग लड़ रहा हूं और मैं इसके ऊपर बिल्कुल डटा हुआ। खाने का क्या कहते हैं? खाने का कहते हैं कि मुझे दाल वगैरह दी गई है, मैंने पूछा, कहते कोई नहीं खाने का खैर है, जो भी दिया है बेसिकली तो ये है कि ये मुझे जानबूझकर इस तरह से घबरा के मुझे जो है मुझसे जो है हम मेरी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, लेकिन खाने से फर्क नहीं मुझे पड़ता। खाना उनको देने की कोशिश की गई, यहां से जो मुकामी क्यादत है उन्होंने भी कोशिश की, अप्रोच की, लेकिन वो खाना आगे जो है नहीं देने दिया गया, बल्कि खाने को रोक लिया गया और मजबूरन फिर जो है वो ही खाना खा रहे हैं, लेकिन खाने के हवाले से वो कह रहे हैं कि ठीक है जो भी खाना है, लेकिन खाना उनको जेल का ही दिया जा रहा है, घर का खाना अच्छा नहीं। अच्छा सर एक बात सर हमारे बता दें, उनको क्या क्या सहूलियात सर दी गई हैं, क्या ऐसी सहूलियात है जो उनको दी गई है? सर सहूलियात के हवाले से सिर्फ पंखा ही है जो दिया गया है, या फिर ये कह लें कि जो है पानी जो है पीने का, या फिर उनको रोटी दी जाती है, बाकी कोई सहूलियात नहीं दी गई, कोई उनको किसी तरह से कोई एक्सेस नहीं है, बड़ी तकलीफ में उन्हें रखा हुआ है। सर किसी दूसरी जेल पे जाने के हवाले से भी कोई बात हुई? देखें दूसरी जेल में जाने का उन्होंने कहा है कि पहले इनका प्रोग्राम था मुझे उधर ले जाने का, लेकिन ये जानबूझकर मुझे इस जेल में लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पर बी क्लास और ए क्लास नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि कोई नहीं है डी क्लास बना दें, मैं बिल्कुल तैयार। देखिए कानूनी तौर पर तो उन्हें जो है वो अडयाला जेल में लेके जाना चाहिए था और कानूनी तौर पर उन्हें बी ए क्लास देनी चाहिए थी, लेकिन वो उनको नहीं दी गई, सी क्लास के अंदर बड़ी अजीतों में रखा हुआ है, बड़ी तकलीफ में उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल उनका मोराल जो है वो हंस रहे थे कि कोई बात नहीं है, मैं गिरफ्तारियों के हवाले से बताया, वो कह रहे थे कि देखो किस हद तक ये चले गए हैं, मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से वर्कर्स को पकड़ा है, मैंने उन्हें बताया कि पीटीआई कल जीत गई है वहां से पिशावर से, तो वो बड़ा उसके ऊपर खुश हो रहे थे कि देखें यहां से ये हारी हुई थी और आज देख लें कि जो कौम है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि वो इस वक्त किस तरफ है। जमानत हो जाएगी? देखिए परसों तक जो जमानत है खान साहब की, हमें उन्होंने हमने उनको बताया है कि जमानत आपकी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, आज इन्होंने जानबूझ के रिले किया है, जिस वक्त पटिशन के ऊपर समाप्त होगी आपको इस केस के अंदर बिल्कुल जो है रिलीज कर दिया जाएगा। टीवी कोई सहूलत? कोई सहूलत नहीं उन्होंने, मैंने पूछा, मैंने कहा आपके पास कोई टीवी, कोई ऐसा बंदा जो आपको दिखाता? उसने कहा मुझे तो उस टाइम से बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, कोई मेरे ऊपर कोई उन्होंने ना कोई वहां पर टीवी की सहूलत मौजूद है, ना कोई अखबार दिया जा रहा है, ना कोई और ऐसी फैसिलिटी, या कोई किसी से मेरा राबता करवाया जा रहा है, जैसे मैं कोई मुल्क का बहुत बड़ा दहशतगर्द हूं और मैंने अपने मुल्क के खिलाफ कोई जो है वो ऐसी चीज की है जो मुझे इस तरह से मुझे यहां पर ट्रीट किया जा रहा है।